हेलो क्लास, आज हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो पिछले क्लास में हमने करंट के बारे में डिस्कशन किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन हियर टू मेजर द करंट थ्रू टू लाइंस। Are the lines in series or parallel? The students has made a mistake in this circuit. What is that mistake? So first of all, we have to draw the figure. This is the diagram about which the question is there. These are cells, three cells. These are connected in series. These are two bulbs, and here is an ammeter to measure the current. The question is, see the question carefully. Are the lamps in series or parallel? देखिए ये lamps हैं, bulb. तो ये सीरीज में है कि पैरेलल में? तो हियर दे आर कनेक्टेड वन आफ्टर अदर। यहां से ये करंट जाएगी, इस बल्ब में जाएगी, यहां से निकलेगी, इसमें जाएगी और फिर ये फ्लो हो जाएगी। जी, डायरेक्शन ऑफ द करंट। These are three cells. They will provide the voltage in the circuit. So bulbs are in series. The question one is: bulbs are in series or parallel? So bulbs are in series. Bulbs are in series. Bulbs are in series. The answer. And number two. The students had made a mistake in the circuit. अब देखिए सर्किट, ये सेल्स हैं, सेल्स का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस सेल का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इस सेल का ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, सेल सीरीज में जुड़े हैं, ठीक से जुड़े हैं, बट दिस अमीटर को देखिए, अमीटर इसमें करंट नापने के लिए अमीटर दोनों बल्ब के पैरेलल में। तो क्या होता है, अमीटर का रेजिस्टेंस, अमीटर नापता क्या है, मीजर क्या करते हैं अमीटर से, करंट। और अमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। तो जब ये दोनों बल्ब, ये बल्ब जो करंट के दो बात हो गए, एक ये बात इधर जाएगी, ये I करंट आएगी, तो मान लो I1 इधर जाएगी, I2 इधर जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो जब यहां इसका अमीटर इस तरफ है तो करंट कैसे मेजर करेगा, बल्ब में कितनी करंट जा रही है। दूसरी बात, अमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो करंट इधर से फ्लो करेगी, कुछ करंट इधर से फ्लो करेगी। हियर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो जो सर्किट में करंट फ्लो हो रही है उसका सही मेजरमेंट नहीं होगा, तो अमीटर इज रॉन्गली कनेक्टेड। कनेक्शन ऑफ अमीटर इज
not true. It is in parallel. While the ammeter should be in series. तो ammeter को आप इस सर्किट में कहीं भी सीरीज में लगा सकते हैं. यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं. ठीक है, दोनों बल्ब के बीच में इवन लगा सकते हैं. तो अमीटर को आप कहीं भी पुट अप कर दीजिए सीरीज में. यहाँ जोड़ दीजिए और ये अमीटर यहाँ लगा लीजिए, प्लस माइनस. तो ये करंट मेजर करेगा. नाउ द सर्किट इज करेक्ट. एंड पार्ट थर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू शो करेक्ट वे टू कनेक्ट द सर्किट. यूज द प्रॉपर सर्किट सिंबल्स इन योर डायग्राम. जो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की बात हुई थी, हम लोगों ने सिंबल की बात की थी, वो सिंबल को यूज करते हुए डायग्राम ड्रा करना. तो देखिए, ये तो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द सेल्स है. ये सिलेंड्रिकल होते हैं सेल, छोटे छोटे, जैसे इसका एक पार्ट इतना बड़ा. बट इलेक्ट्रिकल ए प्लस ए माइनस, ए प्लस ए माइनस, दो सेल, तीसरा ए प्लस ए माइनस. तो ये प्लस टर्मिनल हो गया, बैटरी बन गई, और ये माइनस टर्मिनल बैटरी की होगी. अब देखिए, हियर आर थ्री सेल्स. तो ड्राई सेल 2 वोल्ट के होते हैं, तो ए भी 3 सेल्स है, तो तीनों सीरीज में है, जैसे वन आफ्टर अदर. तो ये टोटल 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी. और नाउ दिस इज योर, सही है, अमीटर पर. और बल्ब का सिंबल ठीक है, रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं ये, और दूसरा ये, और ये है ट्रू सर्किट. इसका रेजिस्टेंस आर वन, इसका आर टू, या दोनों बल्ब सेम है देन आर, और ये इसमें करंट आई फ्लो करेगी इस तरफ से, और ये सर्किट पूरा करके यहाँ निकल जाएगी. हाँ, एक चीज और इसमें आप ले सकते हैं, यू कैन पुट स्विच. नाउ द सर्किट इज ओपन, आप कोई करंट नहीं भेजेंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे जब इसको आप इससे मिला देंगे. Now the current will flow. So this is the circuit with proper symbols. Now next question, agla question. Draw a circuit diagram to show how three bulbs can be lit from a battery. So that two bulbs are controlled by one switch, same switch, while the third bulb is controlled by another switch. अब एक सर्किट ड्रा करना है जिसमें तीन बल्ब हैं और दो बल्ब एक स्विच से कंट्रोल है और तीसरा बल्ब अलग स्विच से कंट्रोल है. वेरी सिंपल, टेक अ बैटरी, ये बैटरी हो गई, ये प्लस टर्मिनल हो गया, ये माइनस टर्मिनल. अब इससे आपको दो बल्ब जोड़ने हैं जो एक स्विच से कंट्रोल्ड है. ये जोड़ दीजिए, इधर ले आइए, यहाँ एक बल्ब लगा लीजिए, फिर यहाँ एक बल्ब लगा लीजिए, और तीसरा बल्ब कहाँ लगाएंगे, यहां पर एक स्विच लगा दीजिए. इस जगह पर ये सर्किट पूरी कर दीजिए, यहां मिला दीजिए. तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो दोनों बल्ब जलेंगे. और तीसरा बल्ब कहाँ लगाएं जिसके लिए अलग स्विच, अगर ये ओपन है तो नहीं जलेगा. ये लगा लीजिए, यहां स्विच लगा दीजिए और यहां एक बल्ब लगा दीजिए.
इसी में जोड़ दीजिए, यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, तो ये बल्ब हो जाएगा, ये स्विच ओपन है या क्लोज है, ये जलता रहेगा, इसको भी क्लोज कर दीजिए, इसको भी क्लोज कर दीजिए, तो ये दोनों बल्ब जलेंगे, तीनों जल जाएंगे। ये स्विच क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए, ए इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, ये तीनों बल्ब जल जाएंगे। अब एक आपको ऑफ करना है तो इसको ओपन कर दीजिए, तो ये बुझ जाएगा, ये दो जलते रहेंगे। अगर इसको जलते रहना है, इसको बुझाना है, इसको ऑफ करना है, तो इसको सर्किट क्लोज रहने दीजिए, इसको काट दीजिए, ये सर्किट, ये स्विच ओपन कर दीजिए, तो ये इन दो बल्ब का कंट्रोल इस स्विच से हो गया, सेम स्विच से, और थर्ड का कंट्रोल दिस स्विच से हो गया। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, देखिए ये दोनों बल्ब सीरीज में जुड़े हैं, तो बैटरी से जो वोल्टेज मिलेगा वो अगर दोनों बराबर बल्ब हैं, एक जैसे हैं, तो इसमें V/2 वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें V/2 वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो होगा क्या, ये स्विच आपने क्लोज कर दिया, तो इस बल्ब को अगर ये 6 वोल्ट है, ये बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो ये इस पे 3 वोल्ट इसको मिलेगा, 3 वोल्ट इसको मिलेगा, तो क्या होगा, ये दोनों बल्ब जितना तेज ये जलेगा उसका आधा जलेगा, क्योंकि वोल्टेज कम मिलेगा। ये माना जाएगा कि इसमें 3 वोल्ट की बैटरी से ये जल रहा है, 3 वोल्ट की बैटरी से ये जल रहा है। तो दूसरा में कंट्रोल कर सर्किट का क्या होगा कि सभी इंटेंसिटी सेम रहे, तीनों बल्ब की, तीनों बल्ब बराबर लाइट दे, वो सर्किट ये रहेगा, ये पॉजिटिव, ये है 6 वोल्ट की बैटरी, और दिस इज ए स्विच, और यहां आप जोड़ेंगे एक बल्ब इसमें जोड़ देंगे, और ये दोनों पैरेलल कर देंगे बल्ब, ये स्विच क्लोज करेंगे तो दोनों को 6 वोल्ट मिलेगा। देखिए ये कॉमन पॉइंट हो गया, इधर ये कॉमन पॉइंट हो गया, तो यहाँ दोनों को 6 वोल्ट मिलेगा, तो दोनों की तीव्रता सेम रहेगी, और तीसरा बल्ब आप ये सर्किट है, इसको तो इस स्विच से ये कंट्रोल हो जाएगा, और इस स्विच से इसको ऑन करेंगे तो दोनों एक साथ जलेंगे, और ऑफ करेंगे तो दोनों एक साथ ऑफ हो जाएंगे, और इससे ये इसका कंट्रोल अलग रहेगा। ये घर में दोनों लगे हैं एक साथ, एक स्विच से दोनों जलेंगे, एक स्विच से दोनों बुझेंगे, एक कमरे में मान लो लगे, ये सपोज कर लो दूसरे कमरे में लगा है, या उसी कमरे में तीसरा बल्ब लगा है, तो इसको ऑन करेंगे तो ये जलेगा, इसको आप स्विच काट देंगे, ऑफ कर देंगे तो ये जलेगा। तो दिस इज द राइट डायग्राम टू यूज इन द हाउसेस। अगर ये डायग्राम आप यूज करेंगे तो बल्ब जो है, ये दो बल्ब पूरी रोशनी नहीं देंगे, पूरा प्रकाश नहीं देंगे, क्यों, उनके अक्रॉस वोल्टेज कम रहेगा, ये 6 वोल्ट जो है दोनों में बराबर बराबर बट जाएगा, तो जब कम वोल्ट रहेगा तो कम करंट जाएगी उसमें और कम प्रकाश देगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर ओम्स लॉ की बात करते हैं। An electric heater is connected to 230 volt main supply. अब ये घर की बात कर रहा है, जैसे आपके घरों में 220 volt, 230 volt, इसमें 230 volt माना है, ये आपकी सप्लाई है। A current of 8 ampere flows through the heater. 220 volt की सप्लाई से जुड़ा हुआ है और 8 ampere current heater में जाती है। How much charge flow अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड। चलो डायग्राम बनाते हैं, पहले अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये है मेंस 230
बोर्ड एसी मेन से दो पॉइंट, एक पैर प्लस फे एंड न्यूट्रल। अब ये 200 एसी करंट का सिंबल लीजिए, एसी करंट ऐसे फ्लो करती है, साइन वेव में होती है, तो हमने ये बना दिया। ये 230 वोल्ट का है। अब नाउ अ हीटर इज कनेक्टेड, सपोज करो दिस इज योर हीटर, ये रूम हीटर का रेजिस्टेंस है, स्विच ले लो, स्विच जब बना दो, सर्किट बना रहे हो तो ये स्विच है, इसमें टच कर जाएगा, क्लोज हो जाएगा तो करंट बहेगी, लो इसका रेजिस्टेंस आ रहा है। अब कह रहा है 8 वोल्ट का करंट कितनी फ्लो कर रही है इसमें, सर्किट क्लोज कर दीजिए, ये मिला दीजिए, क्लोज हो गया सर्किट, तो आई करंट यहाँ से करंट शुरू हो गई, सब पूरे में आई जाएगी, आई आएगी वापस सर्किट घूम कर। तो कह रहा है क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर, पूछ रहा है इस हीटर जो है, हीटर गर्म होगा, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन है, अब आई करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें कितना करंट ले रही है 8 एम्पियर। तो क्वेश्चन है कितने कूलाम चार्ज पर सेकंड फ्लो हो रहा है, तो पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज, करंट की डिफिनेशन क्या है, हम लोग करंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, उसका न्यूमेरिकल। तो करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी व्हेन टी इज इक्वल टू 1 आई इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू इससे ये डेफिनेशन के हिसाब से आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, कूलाम पर सेकेंड, तो इससे क्यू क्या निकलेगा, या उल्टा लिख लीजिए, क्यू बाई टी इज इक्वल टू आई एंड U is equal to I into T. तो ये कूलाम में है, I एम्पियर, T सेकेंड, तो कहते हैं एक सेकेंड में कितना चार्ज, तो I है 8 एम्पियर और ये है गुणे 1 सेकेंड, तो ये बराबर हो जाएगा 8 कूलाम या 8 C कूलाम। Q is equal to 8 कूलाम 1 सेकेंड में पर सेकेंड फ्लो करेगा। सिंपल फार्मूला, दिस इज द डेफिनेशन, दिस फार्मूला टेल्स द डेफिनेशन, परिभाषा बताता है करंट की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चार्ज 1 सेकेंड में इस सर्किट में जितना चार्ज बहेगा, मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये तार है, ये पॉइंट ले लिया, कट दिया, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से कितना चार्ज फ्लो करेगा इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड वही करंट रहेगी, तो I इज इक्वल टू Q, देखो T सेकेंड में Q चार्ज, तो एक सेकेंड में U by T, तो जो एक सेकेंड में चार्ज फॉलो करेगा दैट इज करंट, तो E इक्वल टू I, यानी I इज इक्वल टू U by T, T सेकेंड फॉलो किया, T सेकेंड मान लो 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में Q चार्ज फॉलो किया, तो एक सेकेंड में Q by 10, या T सेकेंड में Q, तो वो एक सेकेंड में Q by T, एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा वही करंट होगी, तो ये है 8 कूलाम, एक सेकंड में 8 कूलाम, दिस इज योर आंसर। बी पार्ट, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर टू द हीटर ईच सेकंड, अब एनर्जी की बात कर लिया, एनर्जी यानी वर्क डन, तो एनर्जी ई इलेक्ट्रिक एनर्जी, this is equal to Q into V voltage, या
Q is equal to IT, I into P into V, any V I T, ये फॉर्मूला एनर्जी का। अब Q into V कहाँ से आया? एनर्जी, जब हम लोग डिफाइन कर रहे थे PD, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज कहते हैं, सेकेंड नेम ऑफ वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस का जो है कि यूनिट है वोल्ट, वोल्ट जो वर्ड है उसी से एक नया वर्ड इजाद हुआ, नया वर्ड बना वोल्टेज, तो वोल्टेज माने पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग क्या डिफाइन किए थे, अब ये कहां से आया ये बता रहा हूं मैं, क्यूपी कहां से आया, एनर्जी। तो हम लोग लिए थे कि कोई टेस्ट चार्ज रखा है प्लस चार्ज, और इसके कारण कोई इसके चारों तरफ फील्ड है, अब ये फील्ड में पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है, तो वर्क डन, देखिए ये टेस्ट चार्ज यहां पे लिया क्यू, ये प्लस वन, क्यू प्लस इज इक्वल टू वन कूलम लिया, वन सी, इस टेस्ट चार्ज को ए से बी पे ले जाने पे जो काम करना पड़ा, द वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, बोथ पॉइंट्स आर इन द इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ दिस, तो प्लस ये है, ये प्लस चार्ज रखा है और इधर इसकी तरफ मूव करेंगे तो ये रिपेल करेगा, तो हमको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, तो मूव करने में वर्क डन होगा एनर्जी, तो वही वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये डिफाइन किया गया था कि वोल्ट पीडी, पीडी इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग यूनिट पार्टिव चार्ज, तो क्यू चार्ज मूव किया तो डब्ल्यू, तो वन कूलम मूव किया तो डब्ल्यू बाई क्यू, तो ये वोल्टेज जो हुआ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इफ क्यू इज इक्वल टू यूनिट वन देन डब्ल्यू इज इक्वल टू वी, पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे क्यू चार्ज मूव करने में डब्ल्यू का मान लो कम करना पड़ा, यहां से यहां तक ए से बी तक क्यू चार्ज है, क्यू इसको मूव करने में डब्ल्यू, तो एक कूलम मूव करने में डब्ल्यू बाई क्यू, एंड दिस इज एक कूलम मूव करने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करने में जो काम किया जाता है, जो वर्क डन होता है या जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज, तो दिस इज नथिंग बट वोल्टेज, तो ये वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, so W is equal to V into Q, और Q is equal to I into T, तो V I T, this W are energy sent, energy expended and work done, समझे? हाँ, तो इसे निकाल लो आप, ये मैं review करा दे रहा हूँ जिससे आपका concept एकदम clear रहे, कि formula आया कहाँ से, हालांकि इसको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग भी पढ़ चुके हैं, तो V कितना दिया था 230 वोल्ट, I 4 एम्पीयर, एंड टाइम एक सेकंड की बात किया था, एक सेकंड आपका कुछ और तो नहीं पूछ रहा था, हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर टू द हीटर ईच सेकंड पर सेकंड, T इज इक्वल टू 1, ये हो गए, फोर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाए जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतनी एनर्जी ट्रांसफर होगी चार्ज मूव करने में, एनी बैटरी से इतना जूल खर्च हो जाएगा, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं स्लोली, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड पास्ट अ पॉइंट इन ए सर्किट, एक सर्किट में किसी पॉइंट से कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, इन पिच देयर इज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर, अब
इलेक्ट्रॉन की बात कर लिया, लगाते हैं इसको भी, कोई सर्किट है, वही सर्किट जो बनाए थे, वेरी सिंपल सर्किट, मान लो ये है भी रख दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, सीरीज नहीं आएगा। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन है, 5 एम्पीयर करंट बैटरी आई इज गिवन, आई इज इक्वल टू 5 एम्पीयर, क्यू आई क्या है डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्यू बाई टी, ठीक है, बार बार लैंग्वेज क्या बताना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, तो एक सेकेंड मैं पूछ रहा है, एक सेकेंड पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स, तो पर सेकेंड चार्ज निकाल लीजिए, तो एक सेकेंड ये 6 एम्पियर दिया हुआ है, करंट इज 5 एम्पियर, चलो कुछ भी दिया हो तो आंसर की बात ये है, और ये 1 सेकेंड, तो ये आपका चार्ज हो गया 5 कूलम हो गया। अब कहता है हाउ मच इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यू नो दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1e- का चार्ज कितना है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम चार्ज होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, इतने कूलम, 5 कूलम, आप देखिए इतना चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर है 1 मिनट 30 चार्ज, ऐसे लिखिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है कितने इलेक्ट्रॉन पे, ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम चार्ज कितने पे होगा, 1/10 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, तो 5 कूलम, तो 5 मल्टीप्लाइड 1/1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, ये आप सॉल्व कर लीजिए, 5 / 1.6 एंड ये ऊपर चला जाएगा 10 टू दी पावर 19 नंबर, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने चार्ज के लिए चाहिए इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो कन्वेंशनल मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी उसमें बताया था डिस्कशन में कि एक कूलम चार्ज ट्रांसफर करने के लिए या एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो एक कूलम चार्ज उन पर होगा, तो वो नंबर निकला था ये 1 कूलम चार्ज पे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा जब इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो 5 कूलम पे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसको चाहे जिसको सॉल्व कर लीजिए, एक ही आएगा, आप यहाँ
9 के बजाय 8 कर दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, तो सेम थिंग 10 बाई 1.6 आ जाएगा, ये 5 वाला 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18, सेम थिंग, तो सिंपल मल्टीप्लाईकेशन कर लीजिए 5 को 6.25 से, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 कूलॉम के लिए पर सेकेंड पास होंगे। अब ये क्वेश्चन खत्म करते हैं करंट पर, अब हम लोग थोड़ा इम्पोर्टेंट थोड़ा घुसते हैं उसमें, वी हैव टू एंटर इन दिस लेसन, और ये एंट्री है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने रिलेशन निकाला कि किसी कंडक्टर में या रजिस्टर में, रेजिस्टेंस में, या किसी जैसे बल्ब है, फैन है, कोई भी लोड है, इलेक्ट्रिक लोड, किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होती है वो उस पर जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है उसके समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उन्होंने लिया कि इफ द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इट्स एंड्स। ओम्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया? उन्होंने ये लिया, एक सोर्स लिया, ये बैटरी, और उन्होंने एक रेजिस्टेंस लिया, सपोज आर, कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर, ने इसे जो स्विच इतना सा उन्होंने इंस्ट्रूमेंट अपना तैयार किया, तो इसमें करंट आई है और ये अप्लाइड वोल्टेज भी है, और जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है आर, वे आर तो बाद में आएगा, वो आर कहाँ से आता है क्या है अभी मैं बताऊंगा। तो उन्होंने एक रिलेशन इसमें ये वी एंड आई, ही नोटेड डाउन वी एंड आई, उन्होंने डिफरेंट वैल्यूज दिए वी को, वोल्ट रखा तो देखा करंट है 1 एम्पीयर, फिर 10 वोल्ट दिया देखा 2 एम्पीयर, फिर 15 वोल्ट दिया देखा 3 एम्पीयर, 20 वोल्ट दिया देखा 25 वोल्ट दिया देखा 5 एम्पीयर। इस टाइप का रिलेशन उन्होंने पाया, तो उसका एक ग्राफ प्लॉट किया। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यो ज्यो वोल्टेज बढ़ाते गए, इस पे जो वोल्टेज बढ़ाते गए तो करंट भी बढ़ती गई, मींस उन्होंने देखा कि करंट फ्लोइंग, ही चेंज द वोल्टेज एंड नोटेड डाउन द करंट, ही फाउंड दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू वी, जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ बैटरी बदल दिया, बैटरी 5 वोल्ट की बैटरी लगाया, 10 वोल्ट की लगाया, 15 वोल्ट की लगाया, 20 वोल्ट की लगाया, 25 वोल्ट की लगाया, और करंट को नोट डाउन किया, देखा उन्होंने 1 एम्पीयर
2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस टाइप से उन्होंने एक रिलेशन निकाला कि जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो जो वोल्टेज बढ़ता है त्यों तो करंट बढ़ता है, उसका एक ग्राफ उन्होंने खींचा। ये लिए वोल्टेज एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे उन्होंने लिया करंट, तो ये 0-0 पॉइंट है, तो 0 वोल्टेज तो नो करंट, और उन्होंने 5, अब देखो ये वोल्टेज है, ये 5 ले लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे, और एक करंट है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 1, 2 एम्पियर, और ये वोल्ट में वोल्टेज जो है वी को कहेंगे वोल्टेज, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो कहेंगे, और ये 3, 4, 5 तो उन्होंने देखा कि 5 वोल्ट है तो ये 1 एम्पियर करंट है, यहाँ ये 2 है तो ये, उन्होंने देखा ये ग्राफ बनता है, ये इस ग्राफ को उन्होंने कहा वी आई ग्राफ। वी आई के बीच में तो वी आई ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन कि ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ग्राफ इन दिस डायरेक्शन सीधा स्ट्रेट लाइन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो उन्होंने ओम से कहा कि इफ टेम्परेचर, कुछ कंडीशन में दिया कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उतनी करंट नहीं आ रही थी, बट इट वॉज स्ट्रेट लाइन। उन्होंने पाया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड, आर उलट दिया वी प्रोपोर्शनल टू आई, तो सेम थिंग, जो जो वोल्टेज बढ़ता गया करंट बढ़ती गई, तो इसको इक्वेट कर दीजिए, बराबर लगाया तो यहाँ सब कांस्टेंट, ये नहीं है कि वोल्टेज 5 है तो करंट 5 हो गई, सम कांस्टेंट इज देयर आर आई, और आर को उन्होंने कहा ये क्वेश्चन वन बन गया। यही ओम्स लॉ का रिप्रेजेंटेशन है इक्वेशन फॉर्म में, किस चीज का, इन ए कंडक्टर द करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, ये जो हम बोल रहे हैं सेंटेंस उसको इक्वेशन फॉर्म में है V इक्वल टू आई आर या आर आई, तो R को उन्होंने कहा R इज ए कांस्टेंट, और R की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल पे, द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, और ये देखा उन्होंने जो अच्छे कंडक्टर थे उनकी R की वैल्यू कम थी, ये फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, आर इज ए कांस्टेंट, और जो द वेरी गुड कंडक्टर्स वैल्यू ऑफ आर इज वेरी लेस, एंड धीरे धीरे उसी हिसाब से जो कम कंडक्टिंग मटेरियल थे उनकी वैल्यू आर की बढ़ती गई, और इंसुलेटर्स की इंफिनिटी बहुत ज्यादा पाई गई, उसमें करंट 0, तो इसको उन्होंने नाम दिया ये कांस्टेंट, and R is called resistance of the conductor, अब उन्होंने देखा मिटा दे थोड़ा सा और आगे बढ़ने के लिए, R is a resistance called resistance and material this depends on this depends on the property of the material, number 1, number 2 R jo hai is proportional to length L, length of the wire ya conductor,
and R is proportional to 1 by A. A is the thickness or area of cross section. By thickness of conductor. जैसे तार ले लीजिए, मोटा तार है, मोटा तार है तो ये ज्यादा होगा एरिया, तो R कम होगी. पतला तार है तो A कम होगा, आर ज्यादा होगी. लेंथ, लंबाई कंडक्टर की बढ़ जाएगी तो आर बढ़ जाएगा. तो ये उसकी प्रॉपर्टीज रही. और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए आर की वैल्यू डिफरेंट रही थी. तो एक मटेरियल की है, कोई सिंगल मटेरियल है, मान लो कापर ले लिया, तो कापर में अगर आप कोई तार है, लंबा तार है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, पतला है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोटा है तो रेजिस्टेंस कम. तो उन्होंने एक रिलेशन निकाला इसके बारे में, आर के बारे में. ये तो मेन है, ओम्स लॉ का इक्वेशन ये है, वी इक्वल टू आर आई. अब इसकी बात उन्होंने किया कि आर, आर की बात अलग से की. ओम्स लॉ में तो वी इक्वल टू आर आई या आई आर जैसे भी लिखे, कोई फर्क नहीं. और रेजिस्टेंस के बारे में उन्होंने ये दो चीजें निकाली, तो एक साथ दोनों को लिख सकते हैं. ये कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, तार की बात कर रहा हूँ, कापर की सपोज करो, इसलिए आपकी समझ में आए. तो किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ वायर, इन द फॉर्म ऑफ बार, इन द फॉर्म ऑफ रॉड, रेक्टेंगुलर बार, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल and R is proportional to 1 by A, तो L by A, एक साथ R is proportional to L by A, तो R is equal to, इसमें constant हुआ rho का, L by A, तो ये rho is a constant, रो किस चीज पर डिपेंड करता है? दिस इज अ टोटल, मतलब होल सोल मटेरियल पर डिपेंड करता है. रो डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, रो डिपेंड्स इससे, लंबाई से और चौड़ाई से नहीं मतलब है. क्यों? अगर एल एक ले लीजिए, ए एक ले लीजिए, मानी एक मीटर लंबा और एरिया करेक्ट सेक्शन भी वन है और लेंथ भी वन है, तो R इज इक्वल टू रो इंटू वन बाई वन, तो इज इक्वल टू रो. तो मतलब कोई बार है या कोई तार है जिसकी लंबाई भी एक है और मोटाई भी एक है, तो रो बराबर R इज इक्वल का रेजिस्टेंस रो के बराबर हो जाता है. रो इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट एंड इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो किसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? जो वायर आप यूज कर रहे हैं, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, कंडक्टर मटेरियल, ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. ये होल सोल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है. रो डिपेंड करेगा ओनली ऑन द मटेरियल. डिफरेंट मटेरियल के लिए कापर के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा. तो दूसरा फॉर्मूला ये है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. एक चीज और देख लीजिए, जब एक फार्मूला निकल आया कि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आर आई, बेटा इसे R कैसे डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे, ये है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई ए. अलग अलग
R is proportional to L and R is inversely proportional to A, या ये कहिए R is proportional to 1 by A, एक ही चीज़ है, तो R is equal to rho into L by A, this formula. अब देखिए, ये कैसे डिपेंड करता है, P is equal to R into I, तो I is equal to by R. सेम थिंग, उसको हमने आई के फॉर्म में आई इक्वल कर दिया. अब करंट दो चीजों पे डिपेंड करती है. अब जो कंडक्टर है जिसकी लंबाई एल है और मोटाई या क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, वो कंडक्टर है, उसमें वोल्टेज भी अप्लाई किया गया है, करंट आई बह रही है, तो आई दोनों चीज पे डिपेंड करेगी. आई देखिए, आई इज प्रपोर्शनल, इससे क्या निकल रहा है, आई जब वी बढ़ाएंगे तो आई बढ़ेगी और जब आर ज्यादा होगा तो आई घटेगी. तो आई इज प्रपोर्शनल टू वी एंड आई इज प्रपोर्शनल टू वन बाई आर. मतलब अगर आर बढ़ेगा तो 1 बाई आर क्या होगा, घटेगा. यानी आर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा. तो रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन किया, आर को बाधा का रेजिस्टेंस रेजिस्ट करता है. तो रेजिस्टेंस क्या है, द थिंग विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. करंट के फ्लो को रोके, मुश्किल से फ्लो होने दे, ज्यादा फोर्स चाहिए तब जाने दे, वी ज्यादा हो तो करंट जाए. अब इसमें देखिए, ये मान लो ये है 100, एक एग्जांपल वी है 100, तो वी इज इक्वल टू आर आई. अब वी 100 है तो एक इसको दोनों में कैसे तोड़ सकते हो, आर और इसमें, मान लो ये है आर एक है तो ये 100 हो जाएगा, करंट ज्यादा है आर कम, और वी बराबर 100 तो 2×50, आर बढ़ गया थोड़ा तो ये करंट घट गई, आर इज इक्वल टू 4×25, आर इज इक्वल टू 5×20, R is equal to the same way, 10×10. अब देखिए, R बढ़ता जा रहा है तो I घटती जा रही है. सेम वोल्टेज के लिए वोल्टेज सेम है, अगर आप कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब आप अलग अलग रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर यूज किए तो ये पोजीशन है, क्योंकि दोनों V इक्वल टू आई आर दोनों मिल के 100 होना चाहिए. तो अगर R इज 1 ओम, R को ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, R की इलेक्ट्रिकल यूनिट है ओम, ओम ने खोजा था तो ओम, इसका सिंबल है ये ओम. तो इससे बहुत क्लियर है कि रेजिस्टेंस क्या है. Higher the resistance of a conductor, the more resistance will offer in the flow of current. It will resist the flow of current. Okay. So resistance बढ़ने पर current कम होगी. अब देखिए, V इज इक्वल टू आई आर दिया हुआ है. अब इसमें तीन चीजें हैं, V है, आई आर, यही तो ओम्स लॉ है, इसका इक्वेशन फॉर्म ओम्स लॉ क्या है,
current in a conductor is directly proportional to the voltage applied on it. Current flowing in a conductor is directly proportional to the applied वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. ये कंडक्टर है, इसके दो एंड हैं ए और बी. इस एंड पे वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए, ये वोल्टेज है, तो जो करंट फ्लो कर रही है इसमें आई, दैट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर. दिस इज द कंडक्टर आर हैविंग रेजिस्टेंस आर, सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू वी आर E proportional to I and V is equal to R I. Same. Again and again I am repeating so that you can understand, you can digest it easily. So देखिए हम एक चीज मैं बता रहा था, V is equal to I R. अब इसमें तीन चीजें हैं, तीन variables हैं, तीन लेटर्स हैं, V है, I है, R है. वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस. अब दो में से, तीन में से दो दिया है तो तीसरा निकल जाएगा, कोई भी दो दिया. अब कुछ क्वेश्चन कर लीजिए छोटे छोटे. पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ठीक वोल्टेज, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जब डिफाइन किया गया तो उसकी यूनिट वोल्ट, वोल्ट से वर्ड आया वोल्टेज. वोल्टेज माने पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पीयर करंट इज 0.1 वोल्ट. यानी V इज इक्वल टू दिस इज 0.1 वोल्ट एंड कैरिंग करंट दिस इज अ वायर. कैरिंग करंट 2 एम्पीयर, I is equal to 2 ampere and this 0.1 volt battery. The voltage is not applied here, there. I plus or minus. So apply this formula, the push raha hai, sab niklega. Potential difference between two points of a wire carrying 2 ampere current is 0.1 volt. Calculate the resistance between these points. To apply Ohm's law, it is very simple, it is written. So from Ohm's law, calculate from Ohm's law, V is equal to I, so V is 0.1, I is equal to 2 ampere, अब ये R, R है ये, तो R यही रहने दीजिए, 0.1 इस पे लेंगे, R resistance of the conductor 0.1 divided by 2, सॉल्व कर लीजिए, 0.05 ओम. Yes, next question. Next question है, अगला प्रश्न है, a simple electric circuit has a 24 volt battery. एक सर्किट है जिसमें बैटरी लगी है कितने वोल्ट की, 24 वोल्ट की, 24 वोल्ट. अब सामने फिगर बना है, देखिए उसी में जहां 0.1 वोल्ट लिखा है वहां लिख दीजिए 24 वोल्ट. And a resistor of 60 ohms, R is equal to 60 ohms. What will be the current in the circuit? तो formula ऊपर है, put up कर दिया. ये दिया हुआ है, ये है 60 ohms, ये है 24 volt. पूछ रहा है current, what will be the current? What is the current? तो ohms law, by ohms law, ohms law says HMS, Ohm's law क्या है कि V is equal to
आई लिखा है, आई पूछ रहा है तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर, इट इज गिवन 24, इट इज गिवन 60, दिस इज सॉल्व कर लीजिए। Now next question. Question is, an electric iron draws a current of 3.4 ampere. अब देखिए सर्किट देखिए, उसमें I दिया हुआ है या ओम्स लॉ पे ध्यान दीजिए, V is equal to IR. I की जगह पे लिखिए 3.4. From 220 volt supply, V is equal to 220. V की जगह पे लिखिए 220. What current will this electric iron draw when connected to 110 volt supply? Oh, very good, very good. अब देखिए 220 volt supply पर ये दे रहा है 3.4 ampere, तो 110 volt supply पर कितना देगा? Very good. Resistance नहीं पूछा, 110 volt supply पे current पूछ लिया। ठीक है, इसे आई क्या है, ये ले, ये ओम्स लॉ है, एक केस में वी इक्वल टू आई आर। अब कंडक्टर सेम है, इलेक्ट्रिक आयरन सेम है तो रेजिस्टेंस सेम है, तो वी, अब देखो वी वन इक्वल टू आई वन आर, जब 220 लगाया तो करंट कुछ होगा, रेजिस्टेंस सेम, वी टू इक्वल टू I टू R, भाई R सेम है क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक आयरन जो आयरन है, जो इंस्ट्रूमेंट है, हीटर है, वो वही हीटर है, तो उसका R जो अंदर कॉइल लगी है, जो कंडक्टर उसमें लगा है, रेजिस्टेंस रजिस्टर लगा है, उसका रेजिस्टेंस R है, वो सेम है। अब ये दो इक्वेशन है, अब आप V1 बटे V2 कर दीजिए, या I2 निकालना है तो I2 ऊपर रखना है तो V2 दोनों को डिवाइड कर दीजिए, V2 बटे V1 इक्वल टू I2 R बटे I1 R, तो ये गायब हो जाएंगे, R कट जाएगा, तो क्या आएगा I2 बटे I1 बराबर V2 बटे V1। भाई यही तो कह रहा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ जो पहले क्या शुरू में कहा था, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V is equal to IR, तो proportional है, इधर V2 है, I2 है, V1 है, I1 है, आप I2 निकाल लीजिए, I2 यही रखिए, ये V2 by V1 है, और इधर नीचे I1 है, ऊपर आएगा तो बड़ा हो जाएगा I1, बस इसमें ये निकाल लीजिए, V2 220 है, ये 110 है, और ये I1 कितना है, 3.4, एक सौ दस दो सौ बीस दो हो गया और ये 3.4 ये बराबर I2, यानी I2 बराबर दो गुना हो जाएगा, टू टाइम्स आप दो गुड़े I1, दो गुड़े I1, यही तो है, तो ये दो गुड़े
यस और उल्टा लिख गए वी टू 220 नहीं है वी टू 110 है करंट आधी आनी चाहिए ये जब हम लोग यहाँ गलती कर रहे हैं ये वी टू बाई वी वन ये 220/110 लिख दिया नोट साठ में करने पर गलती हो जाती है आई में ये है वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू आई टू बाई आई वन तो आई टू बराबर वी टू बाई वी वन गुणे आई वन तो वी टू है 110 ये है 220 ये है आई वन ये कितना है जरूर लिख लेंगे तो 1/2 गुणे आई वन तो ये 3.4 थी और डिवाइडेड बाय 2 1.7 एम्पीयर ठीक है वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करेंगे तो करंट ज्यादा बहेगी यही तो कह रहा है V proportional to I यही बात तो हो रही है तो V बढ़ाते जाएंगे तो I बढ़ेगा तो V 220 था तो I 3.4 था और V 110 हो जाएगा तो I ये आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा 1.7 ज्यादा आ रहा था तो लिखने में गलती हो गई नाउ इसमें रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोले अगर हीटर का तो आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर चाहे ये इक्वेशन यूज करेंगे रेजिस्टेंस निकालेगा V1 इज इक्वल टू आई वन आर वन वही निकल जाएगा और V2 इज इक्वल टू आई टू आर आर सेम है हाँ बुक में दूसरे मेथड से सॉल्व किया है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको बुक में कौन सा मेथड लिया है पहले R निकाला सेम थी देखो ये सब करने के बजाय इन्होंने लिया R निकाला V दिया है 220 और I दिया है 3.4 तो V इज इक्वल टू आई आर से इन्होंने इससे R क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू V बाई आई तो इन्होंने 220 बाई 3.4 ये किया ये R की वैल्यू निकल गई इसको इन्होंने सॉल्व किया तो ये आ गया 64.7 ओम अब इन्होंने क्या किया दूसरा केस लिया फिर फार्मूला लगाया V इक्वल टू आई आर तो R की वैल्यू तो V इसने वो रखा 110 दूसरे से जोड़ा कम वोल्टेज से आई निकालना है और इसकी वैल्यू रखती है 64.7 तो आई इज इक्वल टू 110/64.7 तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.7 इसको बिना सॉल्व किए ऐसे रख लीजिए तो कितना इजी है ये देखिए 220/3.4 यानी आर की वैल्यू क्या रख दीजिए और इसको दूसरे से जोड़ रहे हैं दूसरा सर्किट जिसमें 110 वोल्ट वोल्टेज है और आई निकालना है और आर की वैल्यू ऐसे आप रख देंगे 220/3.4 तो ये आई है इसको इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर ये नीचे हो जाएगा यानी 110/3.4/220 ठीक है तो ये 110 ये 120 I is equal to 3.4/1.7 अगर R ना निकालना हो तो इसको काट पीट करने की जरूरत ही नहीं सीधा जो है थोड़ा भाग यहाँ पर जाएगा तो ये बुक में ये मेथड यूज किया है R की वैल्यू भी निकाल लिया ये R की वैल्यू 64.7 ओम्स तो R पूछा नहीं है R नहीं पूछा है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते कि पहली बार जब 220 से जोड़ा ये वोल्टेज बनाया इसको जोड़ा
करंट की 3.4 एम्पियर आई थी, ठीक है, ये आर और ये सेम है, इसी में इसको हटा लिए तो ये पहला बन गया बी इज इक्वल टू आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर, तो पहला क्या बन गया 220 इज इक्वल टू आई है 3.4 गुणे आर। फिर क्या किया इसने, इसको हटाया, यहाँ 220 की जगह कर दिया 110 वोल्ट, तो ये करंट क्या होगी, तो अब इसका फार्मूला लिखा उसने, आर तो सेम है तो यहाँ लिखा 110 इज इक्वल टू आई और आर है ही है तो आर। अब देखिए इसमें से जिस ये बटे ये कर दीजिए 220 डिवाइडेड बाय 110 आप इज इक्वल टू इधर भी बटा हो जाएगा 3.4 इंटू आर और बटे आई इंटू आर, ये आर आर कट जाएगा, ये दो आ जाएगा, टू हो जाएगा इज इक्वल टू 3.4 बटे आई, आई को इधर ले जाइए, टू को इधर ले जाइए, तो I is equal to 3.4 by 2, ये है 1.3, it is very easy, पहले 220 volt जोड़ा तो ये equation आई, फिर 110 volt जोड़ा तो ये equation आई, अब दोनों को मिला के हल कर लीजिए। चलो इसको यहाँ बंद करते हैं, क्लास स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट देखेंगे।